चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सभी लोग स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। हाँ दोस्तों, इस कोरोना काल में जिंदगी और स्वास्थ्य का मोल हम लोगों को पता लग गया है। हम लोग पहले कभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग नहीं होते थे, जो अब कोरोना ने हमको ये बता दिया कि स्वास्थ्य का कितना बड़ा महत्व है। विषमताएं हर युग में आती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला युग है कि इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। इस तरह की विषमताएं पहले भी कई युगों में आई हैं और हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने हम लोगों को इन विषमताओं से लड़ना और उनसे आगे बढ़ना सिखाया है। दोस्तों, ये टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा। कहते हैं, अच्छा टाइम अगर नहीं रुकता तो बुरा टाइम भी नहीं रुकेगा। ये पल ज़रूर निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। बस हम लोगों को अपना और अपने परिवार का केवल ध्यान रखना है और हम लोगों को सजग रहना है। हर समय के कुछ प्रॉज और कुछ कॉन्स होते हैं। हाँ, हमने मुश्किलें तो इस समय की देखी हैं, लेकिन हाँ, ये जो समय है, इस समय हम लोगों को अपने टाइम को बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये समय निकल जाए और हमने इस समय को गवा दिया तो शायद हम फिर पश्चाताप करेंगे कि ये जो एक अच्छा टाइम हमको मिला था घर पे बैठ के कुछ सीखने का, वो हमने गवा दिया। दोस्तों, यहाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मेरा बेटा BBA कर रहा है, अभी उसका एंट्रेंस क्लियर हुआ था लास्ट ईयर। पूरे साल अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पूरे दिन बच्चों की क्लासेस चलती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक उनके पास सफिशिएंट टाइम निकल जाता है कि वो कुछ नया सीख सकें। मैंने अपने बेटे को बोला कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी इकोनॉमी को सीखने का, स्टॉक मार्केट को जानने का, तो शायद मुझे अभी इंटरेस्ट उसका नहीं दिखा। लेकिन हाँ, उसने मेरे से ये ज़रूर कहा कि अभी मैं कुछ केवल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ अगर आप मुझे थोड़ा सा सिखाओ। मैंने कहा ऐसा है कि एक काम करते हैं, मैं आपका एक डीमैट अकाउंट खोलता हूँ, उसके अंदर मैं आपको 15,000 रुपये देता हूँ और मैं आपको शुरुआत करवाता हूँ, बाकी आप अपने आप सीखना। तो ठीक है, तो मैंने उसका अकाउंट खुलवाया, डीमैट अकाउंट खुलवाया मैंने 15,000 रुपये, 18 प्लस का हो गया है तो 18 प्लस के जो लोग हैं वो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसमें मैंने 15,000 रुपये उसको दिए। उसने कहा, डैडी आप बताओ कि स्टार्ट कैसे करना है। मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट मैं आपका करवाता हूँ, लेकिन आगे की राह आपको खुद तय करनी है। मैंने उसको 15,000 रुपये जो दिए उसमें 5,000 रुपये मैंने कहा कि आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी का मतलब हो गया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी को हम परचेज कर सकते हैं, निफ्टी 20 मैंने खरीदे उसके लिए। और ऐसे ही मैंने 5,000 रुपये के गोल्ड उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके डीमैट अकाउंट में लेके दिए और साथ में 5,000 रुपये के मैंने एक कंपनी के डिवेंचर उसको परचेस करके दिए। तो मैंने कहा, बेटा देख, यहाँ तक का साथ मेरा है, इतना मैं कर सकता हूँ, आगे अब सीखने का और अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने का काम आपका है। अगर आप में इंटरेस्ट है तो अब आप अपने आप सीखो। तो हाँ दोस्तों, मेरे साथ जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो अभी ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, 12th जिन्होंने करी है या जो अभी BBA में गए हैं, MBA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के पास बच्चों बहुत सारा टाइम है, उसको आप यूज़ करो। आप ऑनलाइन जो है आजकल सब कुछ आप लोगों को एसेस मिल जाता है, तो आप यूज़ करो कि आप अगर जो लोग भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को इस टाइम में सीखें,
क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। और चाहे वो आप किसी भी फील्ड के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको आपकी लाइफ में आगे हमेशा काम आएगी। डीमैट अकाउंट खुलवाए हुए मेरे बेटे को आज एक महीना हो गया है। उसके बाद मैंने जो उसके अंदर फर्क देखा वो ये कि हर रोज वो सुबह एटलीस्ट मार्केट को जरूर वॉच करता है, निफ्टी के प्राइस वॉच करता है कि पापा आज मेरे 5,000 रुपये जो हैं वो 5,200 हो गए, या आज मेरे 4,900 रह गए, या आज मेरा गोल्ड का प्राइस जो है वो इतना बढ़ गया। और उसको डिबेंचर्स जो अभी तक उसने केवल किताबों में पढ़े थे, वो अब उसको डिबेंचर्स फिजिकली समझ में आने लगे कि डिबेंचर और इक्विटी में फर्क क्या होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हम बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है उसके साथ जब वो लाइफ स्किल्स के साथ जुड़ती है, तो शायद बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। दोस्तों, IFMC ने एक पहल करी है, एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म लाइव वेब क्लासेस लॉकडाउन के दौरान चल रही हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज तो हैं ही, लेकिन ये 12 दिन की जो क्लासेस हैं, 12-day क्लासेस, इसके अंदर 6 क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए होंगी, जो बिल्कुल स्टार्ट से आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, और बाद की 6 क्लासेस जो हैं वो आपको ट्रेडिंग एक्सपर्ट बनाने के लिए होंगी। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर आएंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, और आप ये जो वेब लाइव वेब क्लासेस हैं इनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और शेयर करूंगा, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है। हाँ दोस्तों, IFMCInstitute.com ये हमारे डोमेन जो है वो नेट फॉर इंडिया के साथ है, और नेट फॉर इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से IFMCInstitute.com जो है वो ओपन नहीं हो रही है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग IFMCInstitute.in को ओपन कर लें, .com की जगह सेम साइट आपकी खुल जाएगी, आपको सारी सर्विसेज वहां से मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, स्टार्ट करता हूं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की, और सीधा चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। और इन लाइव वेब क्लासेस की एक खास बात यह होगी कि इन 12 दिनों के बाद आप परफेक्ट अपनी कॉल जनरेट करना, ट्रेडिंग कॉल जनरेट करना सीख पाएंगे, और वो ट्रेडिंग कॉल्स कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप लोग कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर। दोस्तों, लास्ट वीक भी बुलिश कंसोलिडेशन के अंदर ही मार्केट रहा। दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 14,823 करीब 45 पॉइंट ऊपर, कोई खास ज़्यादा फ्लक्चुएशन निफ्टी में पिछले कई वीक से हमको नहीं दिख रही है। किसी वीक में 40-50 पॉइंट नीचे हो जाता है, किसी वीक में 40-50 पॉइंट ऊपर हो जाता है। क्रूड बंद हुआ है 4760 करीब 40 पॉइंट ऊपर। अगर मैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पे जो हमारा सेक्टोरल एनालिसिस है उसके हिसाब से देखता हूँ, तो फार्मा, केमिकल, IT, स्टील और सीमेंट अभी भी टॉप सेक्टर्स हैं। जो लोग डिलीवरी बेसिस ट्रेड करते हैं वो इन सेक्टर में लगातार अभी बने रहें। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं प्रिडिक्शन की, तो हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बैरिश थे, पोजिशनल के ऊपर भी बैरिश थे, और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और जानते हैं कि हमारे जो लेवल्स हैं वो कितना मार्केट ने हमारे लेवल्स को सम्मान दिया कि नहीं दिया। दोस्तों, मंथली हमारा सपोर्ट था 13,764, हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था वो था 14,645, और डेली रेजिस्टेंस था 14,747। हम मंडे को हमने यहाँ पर ओपन किया, यानी कि ये हमारी मंडे की कैंडल है, पहले मैं कैंडल्स मार्क कर देता हूँ, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब आप देखें, मंडे को हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही मार्केट खुली, और एग्जैक्टली हमारे जहां रेजिस्टेंस है 14,645 वहां आकर क्लोज हो गई मंडे को। यानी कि मंडे को हमारे किसी भी ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मिली ना हमने ली। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के, यानी कि डेली रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, लेकिन
वहां से जो इंट्राडे ट्रेंड था वो लगातार डाउन रहा और अल्टीमेटली लास्ट में आकर ट्यूसडे को भी मार्केट बंद हो गया नीचे। उसके बाद वेडनेसडे को आप फिर देखें कितने सटीक लेवल्स यूडीटीएस के द्वारा आपको मिलते हैं कि वेडनेसडे को फिर जो है मार्केट यहां पर खुली। मैं हमारे कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर दें। चलिए मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि हमको क्लियर समझ में आए। ये मैंने बड़ा कर दिया है और ये हमारी, अब आप देख रहे हैं, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल। हमारा जो रजिस्टर था 14,645, ये मार्केट उस दिन खुला है 14,604, यहां पर 14,604 पे खुला। और उसके बाद आप देखें इसका जो शेडो बन रहा है वो हाई जो है करीब करीब हमारे 14,645 तक ही गया और फिर मार्केट 14,645 के वापस नीचे वेडनेसडे को बंद हो गया। लेकिन थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को मार्केट ने हमारा जो रेजिस्टेंस था 14,645 उसके ऊपर खोला और ऊपर ही बंद किया। तो यहां पर यानी कि थर्सडे को हमारे ट्रेडर्स को मौका मिला, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो और चाहे वो डेली ट्रेड शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हो, उन दोनों को ही मौका मिल गया था। केवल जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अभी भी आउट थे क्योंकि उनका जो लेवल था वो था 14,747, उनको अभी भी वेट करना था। तो खैर जो इंट्राडे ट्रेडर्स उन सबको पैसा थर्सडे को मार्केट ने दिया और जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं जो एक या दो दिन की ट्रेड करते हैं वो लोग भी जो कैरी करके लेके गए उनको भी अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और करीब करीब 14,900 तक के ऊपर के लेवल हमको देखने को मिल गए फ्राइडे को। तो बेसिकली थर्सडे और फ्राइडे को हमारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स जो बहुत दिनों से जिनको मौका नहीं मिल रहा था उनको मौका मिला और बाजार ने एक अच्छा प्रॉफिट उनको फिर से दिया। बेसिकली इस समय ये मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, खासकर बिगनर्स के लिए। जो स्टार्टर्स हैं उनको क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आता है, अगर वो कहीं ट्रैप भी हो जाते हैं तो मार्केट थोड़े दिन के बाद वापस ऊपर आता है और उनको निकलने का मौका मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बुलिश कंसोलिडेशन फेज होता है ये बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया फेज होता है कि अगर कोई गलती रह गई है तो आप 2-4-5-10 दिन वेट करते हैं तो आपको फिर से मौका मिल जाता है मार्केट से निकलने का। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर भी अपने हैजर्ड्स हैं, जैसे कि हर प्रोफेशन के अंदर अपने हैजर्ड्स होते हैं। जैसे हमको पता है कि मेडिकल के अपने हैजर्ड्स हैं, जो भी मेडिकल लाइन से लोग जुड़े हुए हैं वो जो भी काम करते हैं उनका जो वर्स्ट है वो ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो ऐसे ही उनको नॉलेज होती है, जितना भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आजकल कोरोना से लड़ रहे हैं लेकिन उनको पता होता है कि उनको क्या एहतियात लेनी है। और ऐसे ही जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उनको भी ये पता होता है, जो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी भी कैसे रिएक्ट कर सकती है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए और उसका सबसे बड़ा टूल है लर्निंग। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बिना लर्निंग के लाइव ट्रेडिंग में ना जाए। पेपर ट्रेड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो बिना लर्निंग के तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अल्टीमेटली मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव के साथ मार्केट बंद हुआ और दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट बंद हुआ और बहुत दिनों के बाद हमको जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको मौका मिला और उन लोगों ने राइट टाइम एंट्री करके एक पेशेंस दिखाते हुए अपने प्रॉफिट्स को रखा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ न्यूज एनालिसिस के ऊपर। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कोर्सेज। ज्वाइन IFMC ऑनलाइन प्रोग्राम्स टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड सक्सेसफुली इन स्टॉक मार्केट। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। अगर मैं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं, डोमेस्टिक और ग्लोबल, ये दोनों ही सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं जो कई दिनों से चले आ रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैं करंट सेंटिमेंट्स की बात करूं तो वो भी दोनों ही, चाहे डोमेस्टिक हो और चाहे वो ग्लोबल हो, उसके अंदर जो हमारे डाटा हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। चाहे डोमेस्टिक डाटा हो, चाहे यूरोप के डाटा हो, चाहे US के डाटा हो और चाहे वो चाइना के डाटा हो। यूरोपियन मार्केट्स हिटिंग रिकॉर्ड हाई, यूरोप की मार्केट्स लगातार रोज अपने हाई को टच कर रही हैं।
गुड कॉर्पोरेट अर्निंग्स वहां पर हमको देखने को मिल रही हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भी डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक डाटा सारा ही बेटर है। केवल और केवल हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है केवल कोरोना। कोरोना से कई स्टेट्स में लॉकडाउन लगे हुए हैं, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीन के साथ हम लोग सप्लाई के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन का डर भी हमको सता रहा है। तो ओवरऑल ये मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, अगर मैं डाटा वाइज देखूं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब तक डाटा पॉजिटिव रहेगा जब तक अपने को डरने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं कोविड के केसेस या वैक्सीन की बात करूं तो ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें मैं मान के चल रहा हूं। अगर कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, मैं मान के चलता हूं जैसे लॉकडाउन लग रहे हैं तो लॉकडाउन के बाद कोविड के केसेस कम होने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ऐसे ही मार्च में हुआ था, मार्च में भी लॉकडाउन लगे थे, लॉकडाउन के बाद मार्केट हमने देखा कितनी तेज हुई। तो अभी तक लॉकडाउन नहीं लग रहे थे तो शायद मार्केट में वीकनेस थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगने शुरू हुए हर स्टेट के अंदर और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने शुरू हुए तो मार्केट में वापस एक उछाल हमको लास्ट वीक देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं न्यू सेंटिमेंट के हिसाब से, अगर मैं व्यू मार्केट को दूं तो वो पॉजिटिव रहेगा अगले हफ्ते के लिए। चलिए अब चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं उससे कि मार्केट का टेक्निकल रुख क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम फटाफट नोट करते हैं हमारे नेक्स्ट वीक के इवेंट्स। जो अगला वीक आने वाला है उसमें डोमेस्टिक में मंडे को कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ट्यूसडे को भी कुछ नहीं है, वेडनेसडे को सीपीआई नंबर्स और आईएपी नंबर्स होंगे, ध्यान रखना है वहां पर। थर्सडे को ईद की छुट्टी है, मार्केट बंद होगा। फ्राइडे को डब्ल्यूपीआई के नंबर्स होंगे और ट्रेड बैलेंस के नंबर्स आएंगे। तो एक ओवरऑल न्यूज एनालिसिस के हिसाब से, डाटा के हिसाब से एक अच्छा वीक होगा। निगाह रखेंगे हमें नंबर्स पे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये नंबर्स हमारे सब ठीक ठाक होने चाहिए। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक के नंबर्स आएंगे, जॉब ओपनिंग के नंबर्स आएंगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कोर सीपीआई के नंबर्स आएंगे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आएगी, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे और फ्राइडे को रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। दोस्तों इन नंबर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इन नंबर्स को अगर आपको ध्यान से समझना है और गहराई से समझना है तो इसमें हमारा एक अलग से कोर्स आता है, मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट। आप ये ऑनलाइन कोर्स भी हमारा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ मार्केट के अंदर जो इवेंट और डाटा आता है उसको कैसे मार्केट रिएक्ट करता है वो आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सीधा इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर और जानते हैं मार्केट का टेक्निकल रुख। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों UDTS इंट्राडे स्क्रीनर, सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर बहुत दिनों के बाद डार्क ग्रीन जोन, कंफर्म बुलिश जोन के अंदर हमको ये मीटर देखने को मिला। आपने देखा होगा लगातार, आप पुराने सारे हमारे वीडियोस उठा के देखिए तो करीब सितंबर 2020 जो मुझे याद आ रहा है वहां से मैं लगातार इस एरो को जो है वो बुलिश जोन में ही देख रहा हूं, इस वाले जोन में। तो बेसिकली जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तो अगर वो केवल इसको भी देख के काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी पिछले 6-7-8 महीने में अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा, ये तो हमको क्लियर हो गया कि बुलिश जोन में है, ग्रीन डार्क ग्रीन जोन में है, तो इसका मतलब मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर ही हम बुलिश हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा लेवल्स नोट करते हैं निफ्टी के। तो दोस्तों निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है जिसका सपोर्ट है 14,816 रुपए। वीकली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 14,481.05 रुपए। और मंथली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 13,758 रुपए। तो ओवरऑल बहुत दिनों के बाद हमको मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर निफ्टी बुलिश मिली है।
न्यूज एंड इवेंट के हिसाब से जो हमने व्यू बनाया था वो हमारा पॉजिटिव था, और अब जो हमारा टेक्निकल्स के हिसाब से व्यू बन रहा है वो भी हमारा पॉजिटिव है। तो हमारे व्यूअर समझ गए होंगे नेक्स्ट वीक हमको क्या करना है। ये तो बहुत क्लियर है कि इस वीक भी हमको जैसे पहले वीक्स गए हैं, इस वीक में भी हमारा ध्यान बुलिश ट्रेड्स में ही होगा, और बुलिश ट्रेड्स लेने के लिए हमको जो उस दिन का, जिस दिन भी हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, उस दिन का जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो बुलिश होने चाहिए। अगर वो बुलिश हैं तो हम ट्रेड्स, बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं। चलिए नोट करते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों बैंक निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 32,577.10। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 33,649.15। 33,649.15। और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 30,976 रुपये, 30,976.35। ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट के ऊपर। ये हमारा मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है और डेली सपोर्ट है। 13,764 मंथली, 14,479 वीकली और 14,816 हमारा डेली। दोस्तों हम यहाँ पर बंद हुए हैं 14,823, यहाँ पर 14,823 के ऊपर हम फ्राइडे को बंद हुए हैं। अब हमारे नीचे जो एक सपोर्ट है वो है सबसे पहले 14,816, ये वाला जो सपोर्ट है वो है 14,816, यानी कि मात्र करीब करीब 10 पॉइंट नीचे। दूसरा सपोर्ट है हमारे पास 14,479, 14,479 का हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो अब जो भी, अगर मंडे को मार्केट 14,816 के ऊपर रहता है तो आपको बाइंग ट्रेड्स की तरफ ध्यान देना है। पर्टिकुलर अगर मंडे को भी जो इंट्राडे ट्रेंड यूडीटीएस के हिसाब से वो बुलिश हो, तो पहली बात इंट्राडे ट्रेडर 14,816 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग वीकली पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपना ध्यान रखेंगे लेवल्स का 14,479 का। 14,479 का सपोर्ट रखते हुए अगर इसके ऊपर आपको कहीं पर भी इंट्राडे बुलिश पोजीशंस लग रही हैं, इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हो रहे हैं यूनिटीज के हिसाब से, तो आप ले सकते हैं। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी भी सपोर्ट 13,764 बहुत टाइम से बना हुआ है। शायद इस महीने अगर बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं हुई और ऐसे ही चलता रहा तो ये लेवल अब की बार हमारा ऊपर आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में हमको जो पोजीशंस का ध्यान रखना है वो बुलिश पोजीशंस ही रखनी है। इंट्राडे ट्रेडर्स चाहे हों या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हों या पोजिशनल ट्रेडर हों या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हों, आपका ध्यान जो है वो बुलिश ट्रेड्स की तरफ ही रहेगा। अवॉइड करें ब्लैंक सेलिंग करना। अभी भी मैं कई जगहों पे लोगों से मेरी बात होती है तो बहुत लोग जो हैं कि कोरोना और इतनी डेथ्स हो रही हैं और इतनी नेगेटिविटी मार्केट में है, ये देखते हुए लोग इमोशनल हो जाते हैं और ब्लैंक सेलिंग करते चले जा रहे हैं नीचे कई लेवल से, और वो लोग ट्रैप होते चले जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैंने बार बार बोलता हूँ, ट्रेंड इज योर अल्टीमेट फ्रेंड, ट्रेंड का साथ ना छोड़ें। इमोशंस में बहके मार्केट में काम बिल्कुल ना करें। अगर मार्केट तेज है तो आप तेजी में रहें, अगर मार्केट मंदी है तो आप मंदी में रहें। तो अभी एक बड़ा क्लियर पैटर्न तेजी का दिख रहा है, आराम से ट्रेड करें और तेजी में अभी बने रहें जब तक कि मार्केट यू टर्न नहीं लेती। मार्केट यू टर्न लेगी हम भी ले लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे हम लोग जवाब दे रहे हैं, और आप लोग लगातार, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है इसकी, इस चैनल की, और ये मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये 2 साल के अंदर ये हमारा जो तैयारी अगले सप्ताह का एपिसोड है वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और लोगों का तो अब संडे से पहले ही कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर इस बार का रिलीज़ नहीं हुआ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट हाफ में इसको 11-12 बजे से पहले हम इसको लाइव कर दें। और इसके साथ साथ IFMC की पूरी टीम, चाहे वो एडमिन टीम है,
सेल्स टीम है, आईटी टीम है, सब लोग लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को सर्विसेज देने में जुटे हैं। और इस समय क्लासरूम कोर्सेज बिल्कुल बंद हैं और ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को क्लासेस में जाने की। इसी के लिए मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म हमने एक 12 दिन का वेब लाइव वेब क्लासेस अरेंज करी हैं आप लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन, जो लोग मार्केट को समझना चाहते हैं, वो लोग जो जिनकी हॉबी है मार्केट, जो नई चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक 12 दिन बहुत अच्छे 12 दिन होंगे। आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे, साथ साथ ट्रेड भी कर पाएंगे, अपनी कॉल्स जनरेट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट कॉल्स जनरेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1. क्विक ट्रेडर, 2. स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3. स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹7200 है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹14400 है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस ₹18000 है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।